हेलो दोस्तों, मैं मीना पांडे। मैं मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। मेरी हॉबी है पौधों को डेवलप करना, पौधों को पालना और नए नए पौधे तैयार करना, कटिंग लगाना। और जो पौधे मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं और कटिंग नहीं लग पाती, उन्हीं को मैं बाज़ार से खरीद कर लाती। तो आज मैं आपको अपने पौधों से रूबरू कराती हूँ। तो चलें, सबसे पहले ये अडेनियम है, अडेनियम कॉर्नर है मेरा, जहाँ मैंने सारे अडेनियम के पौधे रखे हैं। 8 पौधे यहाँ पर रखे हैं मैंने अडेनियम के। और भी मेरे पास अडेनियम के पौधे हैं, पर यहाँ पर मेरे जो विकसित पौधे हैं वो यहाँ पर रखे हैं मैंने। ये इस अडेनियम में कली आ रही है, देखिए ये रानी कलर का वाइट मिक्स, थोड़ा शेड है, वाइट शेड और रानी शेड है इसमें। फिर ये जो अडेनियम है ये घरी में 20 से तैयार है और इसमें अचानक सफ़ेद रंग आ गया, बड़े बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। खैर, मेंटल के लॉ लगे हैं इसमें, ये विज्ञान वाला तो जान सकता है, परंतु एक साधारण मनुष्य के लिए ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि रानी कलर के पौधे में से सफ़ेद कलर का पौधा निकल आया बीज बोने पर। ये देखिए अगला अडेनियम है, अभी इसमें फूल नहीं आया है इसलिए मैं नहीं बता सकती कि किस रंग का फूल आएगा इसमें, हालांकि पहले फूल दे चुका है। ये देखिए इसमें भी अभी फूल आने की तैयारी है, अभी आया नहीं है फूल। ये मैंने इसको प्रूनिंग करी थी, तो ये प्रूनिंग करने के बाद बहुत अच्छे इसमें पत्ते आए हैं। ये पुराना पौधा है मेरा, जिसमें डार्क रानी कलर, बहुत खूबसूरत सफ़ेद मिक्स की वैरायटी है ये। ये मदर प्लांट है जिससे सारे पौधे बने, सबसे पुराना प्लांट है जिसकी फली से, बीज बोने से ये सारे पौधे मुझे मिले हैं। ये भी बीज से ही प्राप्त पौधा है, इसमें फली आ चुकी है अब। ये भी रानी और सफ़ेद मिक्स पौधा है। अब इसकी फली से जो बीज तैयार होगा उससे देखिए कौन कौन से कलर निकल आते हैं। मैं इस इंतज़ार में हूँ कि मुझे पूरा एक रानी वाला पौधा मिल जाए जिसमें वाइट शेड बहुत कम हो, क्योंकि मैंने एक फूल देखा ऐसा जो रानी कलर था, प्योर रानी कलर था, उसमें वाइट नहीं था, बहुत खूबसूरत था वो। थोड़ा वैरायटी हो जाएगी तो हो सकता है किसी बीज से मुझे ये भी मिल जाए। एक पुराना मेरा मदर प्लांट, इसमें भी अभी फली आ रही है जिससे मैंने पौधे तैयार किए। ये देखिए इसमें थोड़ा रानी कलर का शेड हल्का है और वाइट है उसके साथ। अब मैं आपको पान का पौधा दिखाऊंगी। ये मेरा पान का पौधा है, पान की बेल जो ऐसे बड़ी खूबसूरती से इस पिलर पर चढ़ रही है। उसके अलावा और भी पौधे हैं, ये देखिए ये मेरा पीछे का बैकयार्ड है जिसमें बहुत सारे पौधे हैं, और ये मेरा किचन गार्डन है, और ये लॉन है मेरा, लॉन में भी बहुत वैरायटी है। अभी मैं आपको अपने गमलों के पौधे दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मैं जंगल से ले आई थी, एक पौधा जंगल में उग रहा था, उसकी कटिंग ले आई थी और ये लग गया, पर साथ में लगाया मैंने लग गया। ये देखिए इसमें फूल आ रहे हैं, दोपहरिया है। ये देखिए ये मैंने यहाँ साइकस और अन्य प्लांट हैं मेरे, कैक्टस भी है यहाँ पर, और एक क्रोटन भी है, स्पाइडर प्लांट भी है यहाँ पर। ये देखिए एक फाइकस, हल्का छोटा सा फाइकस भी है इसमें लगा हुआ, और यहाँ पर ये मेरे पास क्रोटन की वैरायटी काफ़ी हैं। एक ये क्रोटन है, एक ये देखिए ये बहुत सुंदर क्रोटन है जिसकी पत्तियाँ बहुत चमकदार हैं और स्पॉट्स बहुत डार्क स्पॉट्स हैं इस पर। और ये देखिए ये हैंगिंग प्लांट जो होते हैं वो हैं, ये कैक्टस है, साइकस। ये कटिंग से लगाया हुआ मेरा एडेनियम का एक पौधा है, मैंने बहुत सारे लगाए थे, एक लग गया और तो शायद डिस्ट्रॉय हो गए, 4-5 लगाए थे मैंने, उसमें से एक लगा है। और साथ में मैंने ये रेड प्लांट भी लगाया है, दोनों एक ही गमले में है इस समय, बाद में मैं इनको सेपरेट कर दूंगी। ये देखिए स्नेक प्लांट, ये मैं कहीं से लेके आई थी, कटिंग्स उसकी लेके आई थी, उससे मैंने डेवलप किया है। ये साल्विया का प्लांट है, देखिए इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। एक क्रोटन की वैरायटी ये है मेरे पास ये, और एक इसमें मैंने ये लगाया है कड़ी पत्ता, मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। देखिए ये प्लांट, ये बहुत ग्रीनरी वाला प्लांट है ये।
एक ये क्रोटन लगा रही हूँ अभी मैं, थोड़ा सा डेवलप हुआ है ये। और प्लांट्स देखिए, यहाँ एरिका पाम है, और ये देखिए सदाबहार, ये स्नेक प्लांट, ये गिलोई का प्लांट है, गिलोई की बेल है मेरी जो इस पर चढ़ी हुई है, ये गुड़हल, ये मुसंडा है पीच कलर का, पिंक कलर का, ये गिलोई की बेल मैंने ऊपर की ओर चढ़ा दी है, मैं चाहती हूँ कि ऊपर जा करके ये फैले। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है। ये लॉन है, लॉन के अंदर साल्विया के पौधे, पपीता लगाया है मैंने, अब ऊपर बेल चढ़ी हुई है उससे, आजकल थोड़ा बेल की वजह से मेरी ये जो हैच है ख़राब सी लग रही है, अब मैं बेल निकाल दूँगी तो ठीक लगेगा। ये एक्जोरा का प्लांट है, तो एक्जोरा फूल दे रहा है। यहाँ पर देखिए क्रोटन, एक ये मेरा कद्दू लगा हुआ है, ये क्रोटन बहुत खूबसूरत है, ये पौधा, इसमें बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। एक क्रोटन ये है, एक इन कागजे नींबू का पौधा है, देखिए नींबू लगा है, एक ही नींबू लगा है इसमें। यहाँ पर पान लगाए हैं मैंने, यहाँ पर देखिए चंपा, ये पपीता, मैं चाह रही हूँ कि पपीते खूब लगें। क्रोटन, फायरबॉल, एक फायरबॉल यहाँ पर भी लगा है। तो इस तरह से मेरा बगीचा कैसा लगा आपको दोस्तों, अपनी राय दीजिए। फिर मैं अगली बार अगला वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको अपने टेरेस गार्डन की सैर कराऊँगी। थैंक यू।